मोहब्बत कुछ नहीं है एक नशा है। मोहब्बत कुछ नहीं है एक नशा है, जिसे होश आए वो ही बेवफा है। जिसे होश आए वो ही बेवफा है। और नौजवानों कुछ कतात जो मुख्तलिफ हवालों से आप तक पहुंचे हैं, मेरे बात एक बड़ी ही खूबसूरत लहजे की शायरा से मुलाकात करनी है, वो थोड़ी सी देर में हायल हूँ, तो वो चंद कतात में ये पेश करता हूँ कि अब उसे भूलना ही बेहतर है। अब उसे भूलना ही बेहतर है, याद तो सब किए नहीं जाते, मेरी नजरों में सस्ते लोगों को महंगे आंसू दिए नहीं जाते। मेरी नजरों में सस्ते लोगों को महंगे आंसू दिए नहीं जाते। जो गुजारे थे, बहुत शुक्रिया, जो गुजारे थे मैंने साथ उसके, क्या बात है, शुक्रिया, बहुत खूब। दोस्तों चार पांच मिनट बहुत देर आप रात भर आप शामिल थे मेरे साथ, थोड़ा सा मुतवज्जो रहेंगे तो आपको थोड़ा सा ये जो बिस्तरे हैं जाया नहीं जाएंगे। जो गुजारे थे मैंने साथ उसके, बस वही लम्हे मेरे काम के हैं। उसने सिंदूर जो लगाया है उसमें कुछ जर्रे मेरे नाम के हैं। उसने सिंदूर जो लगाया है उसमें कुछ जर्रे मेरे नाम के हैं। और आखिरी ये चार मिसरे के अहद को तोड़कर परेशान है, मुझसे रुख मोड़कर परेशान है। दिल में मेरी कमी का है एहसास, वो मुझे छोड़कर परेशान है, वो मुझे छोड़कर परेशान है। और ये मुशायरा भुट्टू भाई का इसलिए भी अच्छा था, कहीं कहीं ये होता है, कहीं कहीं ये होता है कि एक दो यूट्यूबर से मुलाकात होती है, मगर क्या खूबसूरत मुशायरा है कि बहुत सारे यूट्यूबर हैं हमारे। ये कुछ इंग्लिश के कवाफी हैं, बहुत सी शायरात थी, वो दो चार शेर आखिर में अर्ज करता हूँ कि कई दिन से वो ऑनलाइन नहीं है। ये तमाम शायरात हैं जो हमारी बैठी हुई हैं। कई दिन से वो ऑनलाइन नहीं है, तबीयत मेरी यूं भी फाइन नहीं है। कई दिन से वो ऑनलाइन नहीं है, तबीयत मेरी यूं भी फाइन नहीं है। मुझे याद रखे ना रखे वो जाने, कोई एग्रीमेंट साइन नहीं है। मुझे याद रखे ना रखे वो जाने, कोई एग्रीमेंट साइन नहीं है। और जुदाई में रंगत तेरी भी है डाउन, जुदाई में रंगत तेरी भी है डाउन। मेरी जिंदगी में भी शाइन नहीं है, मेरी जिंदगी में भी शाइन नहीं है। और हुजूर आप क्यों शौक से पी रहे हो, हुजूर आप क्यों शौक से पी रहे हो, गरीबों का खून है ये वाइन नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आइए इन तमाम अशार के बाद उस शायरा से मुलाकात करते हैं जिसकी जिसके तर्नुम पर हमारे अहले अदब को नाज है, जिसके तबस्सुम पर उर्दू दुनिया को नाज है, जिसके तकल्लुम पर उर्दू दुनिया को नाज है। फतेहपुर की वो बड़ी ही मोतबर शायरा जिसे आप हम सब ये पूरा हिंदुस्तान मोहतरमा तरन्नुम नाज फतेहपुरी के नाम से जानता है। आइए जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए, तशरीफ लाए, अपने मखसूस कलाम से नवाजें मोहतरमा तरन्नुम नाज फतेहपुरी। हे पल पल वाह, मुझको सताती हे पल पल, याद में तेरी हूँ बेकल। मुझको सताती हे पल पल, याद में तेरी हूँ बेकल। वादा किया था आएंगे, वादा किया था आएंगे, वादा किया था आएंगे, आएंगे, बीत न जाए फिर ये कल। वाह 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 वाह, बीत न जाए फिर ये कल। सामने तुम बैठे हो मेरे, सामने तुम बैठे हो मेरे, बैठे हो मेरे, सामने तुम बैठे हो मेरे। दिल में मची है एक हलचल, दिल में मची है एक हलचल, एक हलचल। मुझको सताती है
क्या कह रहे, वाह, याद में तेरी बेकल नाज मिलाना वो मुझको। बतौर खास समाज फरमाए आप सबकी खुसूसी तवज्जो चाहती हूँ और सभी शोरा हजरात मंच में जितने भी लोग हाजिर हैं यहाँ पर उन सबकी खुसूसी तवज्जो चाहती हूँ। वक्ता पेशे खिदमत है। एक मिनट तरन्नुम साहब, एक मिनट, ये जो मंच पर कुछ नौजवान जो ये फोटोग्राफी के लिए आए, प्लीज अभी मुशायरा खत्म नहीं हुआ है, जो भी शायर या शायरा के लिए आए हैं प्लीज इन्हें खुद मना कर दे। हाँ, और शंभवी सिंह आपको पूरी रात लोगों ने देखा है और सुना भी है, आप पढ़कर उधर के बजाय यहाँ अपनी शायरात के साथ बैठे, इसे डिस्टर्ब होता है, मैंने पढ़ा वो भी डिस्टर्ब था उस वक्त। बैठे आइए, भुट्टो भाई ने हटाकर यहाँ बैठाइए आप लोग, मुशायरा खत्म हो उसके बाद ये सिलसिला होना चाहिए। जी आप सभी तवज्जो के साथ समाप्त फरमाए, पेश करती हूँ। नाज मिलाना वो मुझको, नाज मिलाना वो मुझको, नाज मिलाना वो मुझको, वो मुझको, दिल था जिस पे ये मायल, दिल था जिस पे ये मायल, मुझको सताती है पल पल, याद में तेरी हूँ बेकल। बहुत खूब, बहुत खूब। और गजल का मतलब पेश खिदमत है। ये हिलाल साहब ने मुझे जो था नहीं, वो पसंद शायरा थी, ग्यारह थी, मुझे क्या करना था। ये हवा के सर्द झोंके, ये बहार याद रखना, ये हवा के सर्द झोंके, ये बहार याद रखना। हालात भी ऐसे ही है, सर्द झोंके बहुत याद आ रहे हैं इस वक्त, बहुत ज्यादा झोंके चल रहे हैं। पेश करती हूँ। जी जी, ये हवा के सर्द झोंके, ये बहार याद रखना, रहो तुम के ही बिलेकिन मेरा प्यार याद रखना, के सर्द झोंके, ये हवा के सर्द झोंके, ये बहार याद रखना, रहो तुम कहीं बिले क्या कह रहे, मेरा प्यार याद रखना, वाह 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 वाह, ये हवा के सर्द झोंके, तुम्हें हक याद रखो या मुझको भूल जाओ, तुम्हें हक याद रखो या मुझको भूल जाओ, या मुझको भूल जाओ, जुड़ा था वक्त रुखसत वो गुबार याद रखना, जुड़ा था वक्त रुखसत वो गुबार याद रखना, रहो तुम कहीं भी लेकिन मेरा प्यार याद रखना, ये हवा के सर्द झोंके। और दूसरी गजल का मतलब पेश खिदमत है। जी पेश करती हूँ। तुझसे नजर मैंने, थोड़ा इख्तिसार से भी थोड़ा सा एक दो शेर इंतखाब कर दें। जी 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 जी, तुझसे नजर मैंने जब से मिला ली है, 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 ईद हर एक दिन है रात दिवाली है, वाह 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 वाह, हर एक दिन
है रात दिवाली है। देखो कभी उसको धोखा नहीं देना, देखो कभी उसको धोखा नहीं देना, देखो कभी उसको धोखा नहीं देना, नाज तुम्हें दिल से चाहने वाली। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत तुझसे नजर मैंने जब से मिला ली। मैंने हुकुम तामिल की इख्तसार से काम लिया क्योंकि अभी अभी और भी शोर बैठे हुए हैं। बहुत शुक्रिया आप सबकी समातों का, मोहब्बतों का, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया दोस्तों, तुम ना मानो मगर हकीकत। हाँ आप सब पढ़ेंगे, अब तो मेरी भी जरूरत नहीं है, आप सब वाकिफ है किसे किसे पढ़ना है। तुम ना मानो मगर हकीकत है, इश्क इंसान की जरूरत है, मेरी महफिल में बैठ कर देखो जिंदगी कितनी खूबसूरत है। दोस्तों ये हकीकत है कि इश्क जिंदगी की जरूरत है, इश्क इंसान की जरूरत है, मगर एक शायर मेरी महफिल में ऐसा है कि जिस जो इश्क का मुखालिफ नहीं है बेवफाओं का मुखालिफ है। उसने अपनी शायरी को एक ऐसा मिशन बनाकर पेश किया है कि जो नौजवान मोहब्बत में धोखा खाकर डिप्रेशन में चले जाते थे, अपना कैरियर बर्बाद कर देते थे, माँ बाप की जानिब नहीं देखा करते थे, आज उन नौजवानों ने उसकी शायरी से अपनी आंखें खोली हैं और बेवफाओं की और बेवफा माशूकाओं की आंखों में आंखें डालकर उन्हें जवाबात भी दिए हैं, अपना कैरियर भी बनाया है और इस अंदाज से कुछ बात कही है कि इस कदर भी दुखी नहीं थे हम, इस कदर लाइक शेयर। मुझे जा पुकारा जा रहा है, मुझे है जा पुकारा जा रहा है, मुझे है जा पुकारा जा रहा है, बुलंदी पर सितारा जा रहा है, बुलंदी पर सितारा जा रहा है, फकत चलते हैं अपनी राह पर हम, बताओ क्या तुम्हारा जा रहा है, बताओ क्या तुम्हारा जा रहा है। और डाइस पर बैठे शोरा हजरात की भी खुसूसी तवज्जो चाहती हूँ। गजल का मतलब पेशी खिदमत है। इरशाद इरशाद।